हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम 10th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10th आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने नंबर्स को 9th क्लास में आपने स्टडी किया था। अब देखिए, थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन करते हैं कि नंबर्स क्या है, उसके नंबर्स की टाइप्स कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर्स। अब यहां से यहां पर मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, नंबर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट वन रियल नंबर, सेकेंड इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, अब जो रियल नंबर है उसकी भी दो टाइप हैं। वो कौन सी हैं? वो है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन रैशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। अब देखिए, रैशनल नंबर्स की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स, नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, इन नंबर्स के बारे में आपने 9th क्लास में डीप स्टडी किए, फिर भी एक क्विक रिवीजन क्या है। अब देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर, अब यहां से आप एक चीज देखेंगे स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के अंदर सारी कैटेगरीज हैं। रैशनल नंबर इसके अंदर है, नेचुरल नंबर भी, जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो देखिए, रियल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स वो होते हैं जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होते हैं। देखिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q is not equal to zero. अब देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, जो कहां से स्टार्ट होते हैं? एक से। होल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, प्राइम नंबर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ये 9th क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, हम सिंपल आगे 10th क्लास को पढ़ते हैं। अब देखिए, उसमें क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए, उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए, यहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब देखिए, ये चीज मेनली किस कंसेप्ट के ऊपर है? डिवीजन के ऊपर। अब देखिए, नाम से क्लियर है, डिवीजन इट मींस इसमें डिवीजन का एक रोल है। अब देखिए, डिवीजन क्या होता है? डिवीजन हम बचपन से करते आए हैं। जैसे सिंपल हम करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, देन आपका यहां पर यह चीज है, ठीक है, आपने डिवीजन किया इस तरीके से। अब यहां से आपको पता होना चाहिए ये 2 क्या है। इसका एक नाम है स्टूडेंट्स, क्या है अभी बताऊंगा। अब देखिए, 7 है, 7 भी कुछ है, नाम है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। अब देखिए, जो हमने डिवीजन किया वो क्या है? अब देखिए, इसमें मेन कितनी चीजें होती हैं स्टूडेंट? 4। कौन कौन सी? अब देखिए, 2 का नाम, अब देखिए सिंपल हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन है आपका डिवाइजर, ठीक है। सेकेंड वन है डिविडेंड, थर्ड है क्वोशेंट, एंड लास्ट वन रिमाइंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम डिवीजर किसको कहते हैं, डिवाइडेंड किसको कहते हैं, जैसे इस एग्जांपल से हम देखते हैं, जो 2 है, जो 2 है वो क्या है? हमारा डिवाइजर। किसको डिवाइड, डिविडेंड को करता है। डिविडेंड यहां पे क्या है स्टूडेंट? 7, ठीक है। अब यहां देखिए 3, ये 3 क्या है यहां पे? क्वोशेंट। अब देखिए, यहां पे 1 है जो लास्ट में है, वो क्या आपका रिमाइंडर। आपको इजीली यहां से पता, आपने पिछली क्लासेज में भी पढ़ा है कि सर जो डिविडेंट है, अब देखिए यहां से आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, जो डिविडेंट है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? वो डिविडेंट क्या होता है? ये बीच वाली जो 7 है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका डिवाइजर
मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहां से किस तरीके से डिविडेंड कितना है स्टूडेंट्स, यहां पे 7, वो किसके इक्वल है, डिवाइजर, डिवाइजर कितना है यहां पे 2। अब यहां पे क्वोशेंट कितना है स्टूडेंट 3 एंड रिमाइंडर कितना है 1। अब देखिए जो डिविडेंड है वो इसके इक्वल है, देखिए हम सिंपल देखते हैं 7 किसके इक्वल हो गया, यहां पे 7 के इक्वल हो गया। अब देखिए जो इक्लूड डिवीजन लेमा है वो चीज यही चीज इसी को थोड़ा सा उसने अपनी फॉर्म में लिखा, वो फॉर्म क्या है, इक्वली डिवीजन लेमा कहता क्या है, अब देखिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए वो कहता है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइड। अब उसने एक इक्वेशन दी, अब देखिए यहां पे क्या है, उसने बोला ए इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर, अब देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब देखिए उसने ये चीज बोली, अब देखिए सिंपल क्या चीज है, अब उसने बोला है यहां पे हमारे पास 2 इंटीजर्स है, कौन कौन से, ए एंड बी, ठीक है, जो एक इंटीजर है वो सिंपल 2 यूनिक इंटीजर से मिलके बना, कौन कौन से, बी और क्यू से, और उसके अंदर यदि हम कोई एक रिमाइंडर को ऐड कर देते तो उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि मैं सिंपल आपको कहता हूं 17, अब देखिए हम 17 को लिखते हैं, 17 को कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 5 इंटू 3 प्लस 2। अब देखिए यहां से जो 17 है वो यहां पे इसके लिए 2 यूनिक इंटीजर्स हैं, कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक तो 5 है और एक 3 है। अब ये दोनों इंटीजर यदि उसमें हमने R को, यहां पे R क्या है स्टूडेंट्स 2, यदि हमने उसमें 2 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा इस इक्वेशन जो इक्विलिड लेमा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए अब सिंपल हम इसको लिख सकते हैं 17, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस 1, सिंपल। अब देखिए यहां पे भी उसके 2 यूनिक इंटीजर्स हो गए, कौन कौन से यूनिक इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स 8 एंड 2, और लेकिन उसको R सेटिस्फाई कर रहा है, R क्या है यहां पे 1। अब देखिए यहां से आपको इजीली समझ में आया है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं B और Q, ठीक है, यूनिक इंटीजर्स यहां पे 5 और 3 है, यहां पे 8 और 2 है, इस तरीके से यदि उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो वो एक हमारी इक्विलिड लेमा बन जाता है। अब देखिए हम आगे जैसे क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए यहां से एक चीज और है, अब देखिए सर ये चीज तो हमको समझ में आ गई क्योंकि 2 यूनिक इंटीजर्स है उसमें हमने रिमाइंडर को ऐड कर दिया। अब देखिए उसने भी यही चीज बोला है यहां पे, अब देखिए हम डिवीजन पे हम सिंपल जो लास्ट क्लासेज में हम 9th क्लास में या 10th क्लास में जो चीज हम पढ़ते आए हैं वो क्या चीज है, अब देखिए यहां पे डिविडेंट, यहां पे डिविडेंट कौन सा है ए, देखिए डिवाइजर कौन सा है स्टूडेंट्स बी, क्वोशेंट कौन सा है स्टूडेंट क्यू, और रिमाइंडर कौन सा है आर। अब देखिए उसने भी यही बात बोली, क्या बोली, 2 यूनिक इंटीजर, सिंपल आपको समझ में आया है, बट देखिए सर यहां पे ये चीज आ गई, सर ये चीज तो ये चीज हमको समझ में आ गई बट ये क्या चीज है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल सिंपल और आपके सामने लेता हूं, देखिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, अब देखिए ये सिंबल क्या है, ग्रेटर बड़ा, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और ग्रेटर देन बी, अब ग्रेटर देन बी क्या है स्टूडेंट्स यहां पे देखिए क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा बड़ा होगा। अब देखिए सिंपल क्या बोलता हूं मैं, मैंने बोला आपको 15, हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं, किसे 2 से, 2 7 14, अब यहां पे क्या है 1, अब देखिए जो रिमाइंडर है यहां पे क्या आया स्टूडेंट 0 से बड़ा है, सर बिल्कुल है, क्या ये 0 के इक्वल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कैसे, हम सिंपल बोलते हैं 20 को हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 5 20, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, या तो वो 0 होगा या वो 0 के 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो यहां पे डिवाइजर है डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा,
या उसके बराबर भी नहीं होगा। जैसे हम दो से डिवाइड करते हैं तो यहां पे रिमाइंडर कितने हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कितने आएंगे, रिमाइंडर कितने आएंगे, दो आएंगे। कौन कौन से, या तो जीरो रिमाइंडर आएगा या वन रिमाइंडर आएगा। यहां पे सिंपल हम फोर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने आएंगे स्टूडेंट, कितने आएंगे फोर। कौन कौन से सर, जीरो भी है, बिल्कुल है, एक भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, क्या यहां पे फोर आ सकता है सर? नहीं, क्योंकि अभी एक चीज है, क्या बताई मैंने अभी, बिल्कुल जस्ट वो क्या बताई स्टूडेंट्स, कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए यहां से आपको इजीली समझ में आई होगी बातें। अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे इक्विलिब्रियम ने क्या बोला स्टूडेंट, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब आपको इजीली समझ में आया होगा कि सर हाँ आपने बता दिया, इजीली समझ में आया, बिल्कुल सही है। अब देखिए सिंपल वो बोलता है आपके सामने 12, हम 12 को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से किस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 12 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 11 इंटू 1 प्लस 1, सर बिल्कुल लिख दिया 11 प्लस 1 12। क्या इसको हम और किसी तरीके से लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कौन सा तरीका है, क्या है, आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 0, सर बिल्कुल। क्या और भी कोई तरीका है, अब देखिए सर बिल्कुल है, हम किस तरीके से लिख सकते हैं 12 इक्वल 10 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल है, देखिए इसके लिखने के बहुत तरीके हैं, इसके लिए यूनिक टू इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 11 और 1, रिमाइंडर कितना है 1। अब देखिए हम आगे एग्जांपल सिंपल लेते हैं, जैसे 20 लेते हैं, अब हम 20 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहां से मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपके सामने, यहां पे मैंने लिखा, ठीक है, अब मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ स्टूडेंट 6 प्लस 6, ये चीज लिख दिया, तो क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स? सर लग तो नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा? अब देखिए यहां से हम एक चीज देखते हैं, अब यहां पे ये क्या है, टू यूनिक इंटीजर्स कौन कौन से है, 2 एंड 3, सर 2 एंड 3। अब 2 यहां पे क्या है, क्या है स्टूडेंट, सिंपल यदि हम देखते हैं डिवाइजर है, डिविडेंट है। अब देखिए यहां से ये 2 क्या है, ये है डिवाइजर, क्या है स्टूडेंट डिवाइजर, 12 क्या है डिविडेंट। लेकिन मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स कि जो यहां पे जो डिवाइजर है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इससे छोटा आएगा, लेकिन सर यहां पे तो रिमाइंडर 6 आ गया, तो इसलिए ये चीज गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम आगे 20, हम एग्जांपल लेते हैं 20 का, ठीक है, 20 आप कैसे लिख सकते हैं सर, 5 इंटू 4 प्लस, रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट 5, 4 जो 20 प्लस 0, ठीक है। अब देखिए 20 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके लिख सकते हैं वो चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि इस टॉपिक में अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज हेजिटेट ना करें, कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन बिल्कुल एट ए टाइम दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इक्विली डिविजन लेमस आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हम इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इक्विलिड से, हम एचसीएफ निकाल सकते हैं स्टूडेंट, क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, सेकंड टॉपिक कि यूजिंग इक्विलिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, क्या एचसीएफ। अब देखिए सबसे पहले आपको एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, सर इजी आपने बता दिया। अब देखिए हाईएस्ट बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, अब देखिए इक्विलिड से हम किस तरीके से एचसीएफ निकाल लेंगे, सर इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्कुल देखिए ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है। अब देखिए हम एचसीएफ, यहां से एक चीज और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, हम एचसीएफ कितने नंबर्स का निकाल सकते हैं, हम एचसीएफ कितने नंबरों का निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम 2 नंबर्स। मतलब क्या हुआ सर, कि HCF निकालने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर चाहिए ही चाहिए, कंडीशन है। देखिए हम ये नहीं कह सकते फाइंड HCF ऑफ 3, सर नहीं नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि 2 नंबर है। अब देखिए सिंपल आएगा, क्या आएगा सिंपल, आ जाएगा यूजिंग
इक्विलेट डिवीजन लेमा, फाइंड HCF ऑफ 27 एंड 90। ठीक है सर, हम निकालते हैं। क्या है आपको, क्या चीज ध्यान देनी है? इक्विलेट का नाम आते ही हमारे हमने दिमाग में सोचना शुरू किया, सर क्या है क्या है क्या है। हमने देखा, आपको पता आ गया, क्या आ गया सर उसकी तो ये है, ये क्या चीज है, क्योंकि इक्विलेट ने दिया है ये चीज, ये इक्वेशन दी है उसने। ठीक है, अब इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब देखिए क्या है निकालने के लिए, देखिए आपके स्टेप्स क्या है, यहां ध्यान से देखिए क्या है। देखिए 27 और 90। अब देखिए सर ये डिविडेंट है, ए यहां पे क्या है डिविडेंट। अब डिविडेंट हम 27 को ले या 90 को ले, तो इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर सबसे बड़ा है, 27 और 90 में से कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स, 90। तो हम 90 इक्वल। ठीक है, अब देखिए बी क्यू मीन्स दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई। क्या है देखिए कौन सा नंबर है 27। अब देखिए यहां पे 27 इनटू आपको क्या करना है, अब देखिए 27 को 90 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए हम लिखते हैं 27 हो गया सर, लेकिन आप रिमाइंडर देखिए प्लस क्या है, आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा इससे, यदि हम इसमें देखेंगे तो माइनस करेंगे तो 90 से 27 से ज्यादा आएगा, लेकिन वो चीज हमको कम लेना है। 27 इंटू टू, अब यहां पे किस पे जाएगा 27 इंटू थ्री, कितना हुआ स्टूडेंट्स 81। अब देखिए आपको इसमें प्रॉब्लम है सर, एक से लें दो से लें, आपको इजी क्या करना है, 90 को डिवाइड कर लेते हैं हम 27 से, क्या है 27 थ्री जा। अब देखिए यदि मैं टू से जाता हूं तो 54 आता है, 6 ये 4 आ गया, लेकिन सर ये तो गलत हो गया स्टूडेंट्स। कैसे गलत हुआ, क्योंकि देखिए सर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर है वो तो डिवाइजर से ज्यादा हो गया, इट मींस ये दो पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। अब 3 पे कितना हुआ 81 हुआ, बिल्कुल ठीक है सर, ये 9 आ गया, 9 आ गया तो डिवाइजर डिविजर से कम हो गया। अब देखिए सिंपल, अब ये कितना हुआ 3, 81 रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स 9। ठीक है, अब देखिए आपको कौन सा, आपको ये लेना है, क्या लेना है, ये क्या था स्टूडेंट्स डिवाइजर, डिवाइजर 27। अब देखिए अब हम 27 को क्या करें स्टूडेंट्स, जो हमारा रिमाइंडर था उसी के मल्टीपल फॉर्म में लिखना है। क्या बोला स्टूडेंट्स, जो भी हमारा रिमाइंडर था लास्ट जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसका मल्टीपल लेना है 9। अब 9 का मल्टीपल है 27। अब देखिए क्या इसे परफेक्टली डिवाइड है, बिल्कुल सर, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहां से आपको बताता हूं आपको कब तक करना है, कब तक इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जब तक करना है स्टूडेंट्स, जब तक यहां पर 0 ना आ जाए। तो देखिए यहां से हम सिंपल कह सकते हैं, यहां से HCF कितना हो गया स्टूडेंट्स 9। ठीक है, अब देखिए मैं बोलता हूं यहां HCF ऑफ 27 एंड 90 इज 9। अब देखिए अदर वे क्या है इसका, नेक्स्ट अदर वे मतलब दूसरे तरीके से आपको किस तरीके से पता लगेगा कि ये 9 ही है। देखिए जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है उससे बिल्कुल हम ऊपर वाले रिमाइंडर को देखेंगे। क्या बोला स्टूडेंट्स, जहां पे रिमाइंडर 0 आता है उससे ऊपर वाला रिमाइंडर देखेंगे, कौन सा ऊपर वाला रिमाइंडर, वो है 9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका HCF हो गया। कोई प्रॉब्लम, अब देखिए हम सिंपल एक ही क्वेश्चन के अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फाइंड HCF, देखिए आपको ये चीज लिखनी है। अब देखिए सिंपल आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन दोनों को कंपेयर किया, आपको इजीली पता लगा सर 2, 2, 5 है स्टूडेंट्स वो बड़ा है, बड़ा नंबर है, तो लिख देंगे सर, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या है 1, 3, 5, यहां पे 1, 3, 5 हो गया। अब देखिए ये 1, 3, 5 इंटू यूनिक नंबर, एक किस दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, टू नंबर्स को हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 1, 3, 5 इंटू टू कितना हो जाएगा, ये तो 2, 2, 5 से ज्यादा हो जाएगा,
तो हमको क्या करना है, 135 × 1 इजी कर दिया 135। ओके, अब देखिए यहां पे अब रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स, कितना है आप, मैं सिंपल, आपका कितना हो गया 90। कैसे हुआ सर? स्टूडेंट्स 225 में से 135 को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, 0 9 90। अब जो 90 वो 135 से भी कम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए फिर हमको क्या करना है, डिवाइजर को उठाना है, डिवाइजर कौन सा है 135, बिल्कुल इजी। अब देखिए यहां पे ये 135 क्या है, डिवाइजर, यहां पे 135, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिविडेंड। अब देखिए 135, अब आपको क्या करना है, अब देखिए ऊपर क्या है, रिमाइंडर कितना था स्टूडेंट्स सर 90 था, तो 90 की मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब 90 × अब देखिए इंटू हम कितना करें, 1 करें या 2 करें, अब 2 करते हैं तो 90 × 2 180 हो जाता है, बट 180 तो इससे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 90 × 1 90 प्लस, रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स 135 में से यदि हम 90 माइनस करते हैं तो कितना बचा स्टूडेंट्स 45 सर, ठीक है। अब देखिए क्या यहां पे जीरो आया है, ये रिमाइंडर जीरो नहीं नहीं आया, तो हम और आगे अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो डिवाइजर है वो कितना है 90, यहां से आते क्या बन जाएगा वो डिविडेंड, अब 90 है, ठीक है। अब आपको कैसे चलना है, आपको कैसे चलना है सर, ये लास्ट वन रिमाइंडर कितना था 45 के मल्टीपल्स 45, अब 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करें सर 45 × 145 क्या 45 × 2 सर ये तो 90 हो गया, हो गया तो अच्छी बात है, रिमाइंडर कितना बचा 0 सर, ये तो हो गया क्वेश्चन सोल्व, हो गया, कैसे हो गया, मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, कब तक करना है, जब तक यहां पर 0 ना आ जाए, क्या 0 आ गया सर, आ गया, इट मींस अब आपको बताना है इसका HCF कितना हुआ स्टूडेंट्स, HCF कितना है, क्या है देखिए यहां पे 45 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 and 225 इज 45 इजीली। अब देखिए अदर वे मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको, अदर वे क्या बताया था, अब देखिए हमारा रिमाइंडर कहां पे जीरो आया है, देखिए थर्ड स्टेप पे जीरो आया है, उससे हमको ऊपर वाला रिमाइंडर देखना है, उससे बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला कौन सा है स्टूडेंट्स 45, तो हमारा आंसर कितना हुआ 45। देखिए ये चीज आपको एग्जाम में नहीं करनी है, बस आपको पता लगाना है कि क्या आप यहां पे श्योर है या नहीं है, श्योर करने का, रीचेक करने का उसको क्या है, जो जीरो आया उससे ऊपर वाला नंबर देखेंगे वो कौन सा है 45, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल है, फाइंड 2 HCF ऑफ सिंपल 60 and 1240, ठीक है सर, हो गया, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे 2 digit 3 digit डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है कि सर यहां पे 2 है यहां पे 3 है, कितनी भी आ सकती हैं। अब देखिए सिंपल दोनों में से बड़ा कौन सा है सर, हमको पता है इजीली 1240 बड़ा है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है सर 60 से, क्योंकि यहां 60 क्या है डिवाइजर है। अब देखिए 60 है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 60 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे 60, चलो 60 की जगह हम 16 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 60 आपका थोड़ा ज्यादा नंबर हो जाएगा, देखिए 16 लेंगे, अब 16 को हमको ये किससे मल्टीप्लाई करना है, अब देखिए यहां पे आप सिंपल 16 को इससे डिवाइड करते हैं 16 1 जा 2 जा 5 जा 6 जा, ठीक है। अब देखिए उसका तरीका क्या है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास एक और तरीका है, क्या है, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 16 से। अब देखिए 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा, चलो हम 7 पे लेके चलते हैं, 7 6 जा 42, 4 7 1 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 और 4। अब देखिए क्या ये चीज इससे 7 से है सर, बिल्कुल है, 2 आ गया, ये 1 आ गया, अब यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 20, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे आपको खत्म नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एक डिजिट बाकी है, वो कितना है, 0, 120। अब देखिए 120 किस पे जाएगा, 77 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, आपको इजीली पता है सर, 7 पे जाएगा। किस पे, 76 जा 42 सिंपल, 71 ये सर आ गया। अब ये क्या, 10 में से 2 8, अब देखिए सिंपल 8। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच गया 8, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस 8, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए 16 को आपने 77 से मल्टीप्लाई किया, देन रिमाइंडर इतना आया। अब आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, 16। अब 16 किससे करना है, अब मैं सर अभी तक सर ये तो बिल्कुल हमको पता लग गया, जो लास्ट में रिमाइंडर है उससे मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इजीली प्लस 0। सर ये तो 0 आ गया, 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ स्टूडेंट्स, 8। अब देखिए अदर वे चेक करने का, जो इससे ऊपर वाला रिमाइंडर है वो आपका क्या है, आंसर। अब देखिए आज की क्लास में आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, दो, एक तो यूक्लिड लेमा के बारे में पढ़ा है और एक आपने एचसीएफ निकालना सीखा है। तो स्टूडेंट्स एक चीज और, जो चीज आपको समझ में क्या, जैसे मैं सिंपल एक क्वेश्चन दे देता हूं सिंपल रिवाइजन रिविजन के लिए, सिंपल 1 2 0, आपको इक्विलिड लेमा के बारे में इसको लिखना है, आप इजीली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन चीज एचसीएफ निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, अब इसके लिए मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। देखिए सिंपल आपके सामने क्या है, आप 1 2 5 1 2 5 को आपको किस में, इक्विलिड लेमा, इक्विलिड डिवीजन लेमा के बारे में लिखना है। इक्विलिड डिवीजन लेमा आपको पता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड वन क्वेश्चन है क्या है, फाइंड एचसीएफ किससे, यूज इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये इक्विलिड डिवीजन लेमा बोल सकते हो। एचसीएफ किसका निकालना है, सिंपल मैं बोलता हूं 2 2 5 और 1 2 5 1 2 6 5, इसका आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ। सेकंड वन क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर आपको एचसीएफ निकालना है दो नंबर्स का, कौन कौन सा, मैं सिंपल बोल देता हूं 80 and 276, ठीक है, यूजिंग इक्वली डिविजन एल्गोरिथम आपको एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यदि आपको इसी टॉपिक में हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और जो स्टूडेंट्स न्यू है हमारे चैनल्स पे प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।